नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल्ट न्यूज से। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के इस तनावग्रस्त माहौल में फर्जी खबरें और बढ़ी हैं, और ये फर्जी खबरें भारतीय सोशल मीडिया ने ही नहीं बल्कि देश के मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी चलाई है। 26 फरवरी को कई मीडिया संगठनों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर हुए हमले की खबर ब्रेक करते हुए एक वीडियो चलाया। इस वीडियो के साथ यह बताया गया कि यह भारत द्वारा पीओके में मसूद अजहर के आतंकी कैंप पर हमले का पहला दृश्य है और इसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की तरह दिखाया गया। दिस इज वेरी बिग व्हाट वी आर ब्रेकिंग राइट नाउ। दीज आर द विजुअल्स दैट इंडिया टुडे हैज एक्सेस ऑफ द जेट्स। इस वीडियो फुटेज को इंडिया टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स, आज तक, टाइम्स नाउ, न्यूज 18 और इंडिया टीवी समेत और भी कई मीडिया चैनल्स ने चलाया। बड़े पैमाने पर इस वीडियो का इस्तेमाल पाकिस्तान के विरुद्ध इंडियन एयरफोर्स द्वारा हुए सीमापार कार्रवाई के वास्तविक फुटेज के रूप में किया गया। तो किस हद तक कई मीडिया संगठनों द्वारा इस वीडियो के साथ किया गया रिपोर्ट हकीकत दिखलाता है। खबरों के मुताबिक 26 फरवरी 2019 को सुबह 3:30 बजे के आसपास इंडियन एयरफोर्स ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर हमला किया था, लेकिन जिस वीडियो का इस्तेमाल मीडिया ने एक्सक्लूसिव खबर प्रकाशित करने के लिए किया था, ऑल्ट न्यूज़ को वह वीडियो साल 2017 में अपलोड किया गया मिला। एक यूट्यूब चैनल ने सितंबर 2017 में 1 मिनट 5 सेकंड का वीडियो फ्लेयर्स एट नाइट पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 शीर्षक से अपलोड किया था। इस वीडियो के 34 सेकंड के बाद का क्लिप्ड किया हुआ हिस्सा न्यूज चैनल्स ने अपने रिपोर्ट में इस्तेमाल किया था। हमने यह भी पाया कि यही क्लिप्ड वीडियो 26 फरवरी को हुए हमले के 2 दिन पहले से पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि 26 फरवरी की सुबह एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को सल्यूट करते हुए यह वीडियो ट्वीट किया था। लेकिन जैसा कि हमने आपको दिखाया, क्योंकि यह वीडियो कम से कम साल 2017 से इंटरनेट पर उपलब्ध है, इसलिए यह हाल के हवाई हमले की हो ही नहीं सकती। 28 फरवरी को पाकिस्तान ने घोषणा की कि वो भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को 1 मार्च को रिहा करेंगे। इस खबर के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी और इंडियन सोशल मीडिया पे 2 तस्वीरें ये कह के वायरल हो रही थी कि फोटो में दिखाई गई वृद्ध महिला विंग कमांडर अभिनंदन की माँ है और अपने बेटे की आने की खुशी मना रही है। ये तस्वीरें 2 अलग दावे से वायरल थी, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन की माँ पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रही है क्योंकि उन्होंने उनके बेटे को रिहा करने का फैसला किया। एक और दावे के मुताबिक वे इमरान खान से अपने बेटे को रिहा करने की विनती कर रही थी। जब ऑल्ट न्यूज़ ने इन तस्वीरों को रिवर्स सर्च किया तो पाया कि ये तस्वीरें पुरानी हैं। एक ट्विटर यूज़र ने इन तस्वीरों को 2018 में अपलोड किया था। ऑल्ट न्यूज़ ने इंटरनेट में उपलब्ध विंग कमांडर अभिनंदन की माँ की तस्वीरें इन वायरल तस्वीरों से तुलना की और पाया कि तस्वीरें मैच नहीं करती हैं। विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़े जाने के बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो ये कह के शेयर हो रहा था कि वीडियो में दिखाई गई महिला विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी है। महिला वीडियो में पॉलिटिकल लीडर्स, खासकर बीजेपी के लीडर्स से ये विनती कर रही हैं कि वे सैनिकों के बलिदानों पर राजनीति ना करें। The political leaders, not to politicize the sacrifice of our soldiers. ये वीडियो SP MLA राजेश यादव, इंडियन यूथ कांग्रेस की ऑनलाइन मैगजीन युवा देश और कांग्रेस सेवा दल मेंबर हरविंदर सिंह ने भी शेयर किया था। पर सच्चाई ये है कि वीडियो में दिखाई गई महिला विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी नहीं है, ऐसा उनके बयानों से खुद पता चलता है। और आगे जांच करने के लिए ऑल्ट न्यूज़ ने इंटरनेट में उपलब्ध विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी की तस्वीरों की तुलना वीडियो में दिखाई गई महिला से की और पाया कि तस्वीरें मैच नहीं करती हैं। 26 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के कैंप्स पर भारतीय वायु हमले के बाद सोशल मीडिया पे एक दावे के मुताबिक जिस भारतीय पायलट ने इस हमले को अंजाम दिया वो सूरत की एक लड़की उर्विशा जरीवाला है और वो भूलका भवन स्कूल से है। उर्वशी जरीवाला के नाम से और भी 2 तस्वीरें वायरल थी, पर हमने अपनी पड़ताल में पाया कि इन सारी तस्वीरों का 26 फरवरी के हमले से कोई भी लेना देना नहीं था। भारतीय पायलट स्नेहा शेखावत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह की तस्वीरों का गलत प्रयोग हो रहा था।
ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में ये भी पाया कि एक और तस्वीर जो शेयर हो रही थी वो यूएई की पहली महिला फाइटर जेट पायलट की थी। 26 फरवरी को हुए हवाई हमले के बाद कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, जिसके साथ यह कहा जा रहा है ये वही 4 सिपाही हैं जिन्होंने आज शौर्य गाथा लिखी और ये 12 भारत माँ के नायक हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने इन सभी तस्वीरों का गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया। हमने पाया कि पहली तस्वीर का इस्तेमाल कई वेबसाइट्स और ब्लॉग ने एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज के तौर पर किया है। इसके अलावा हमें पहली तस्वीर साल 2011 के एक ब्लॉग में पोस्ट की गई मिली, जिससे पता चलता है कि यह तस्वीर कम से कम 7 साल पुरानी है। दूसरी और तीसरी तस्वीरें भी हमें अक्टूबर 2015 के एक ब्लॉग में मिली, जिससे पता चलता है कि ये दोनों तस्वीरें कम से कम 3 साल पुरानी हैं।